की कसम दिल करता खुदकशी कर ले। मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये खुदकशी पॉइंट बना दे मिंचना बाद गरीब आदमी के लिए, खुदा की कसम आसानी से बंदा मर जाए। बस ये काश के हम इधर ये करते कि ये मेरे पास आता अभी कि आईओ ने क्या बात है, मेरी चोरी थी रिकवर कर ली और देखो अब मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। सर शुक्रिया। अल्लाह ने इन कामों के लिए हमें चूज किया है, क्या हमें फायदा मिल रहा है इसके दादरसी ना करने से? कौन सी चीज माने है अभी? माने कौन सी चीज है? तो फिर क्यों नहीं हुई अभी तक? सर मैं एक रेट करके आया हूँ उधर, अभी कल फिर शाम को हमने उधर गया हुआ सर उसके घर। आपके तो डंग की रेट्स हैं, आप रेडी करते जा रहे हैं, बंदे नहीं पकड़े जा रहे, रिकवरी हो रही है, वो मुझे दिखा रही है वीडियो में। तो बात यह है कि 3 दिन में अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया तो मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा, इसलिए कि देन वी आर नॉट केपेबल ऑफ दिस बैच। जी बिल्कुल, रैंक्स के पर हम काबिल नहीं। ठीक है जी। मेरा नाम हसीब उल्ला है और मैं मिंचनाबाद का रहशी हूँ। आज से 3-4 महीने पहले मेरी चोरी हुई थी जी। उस चोरी में आज से 2-3 दिन पहले मैं डीपीओ साहब खुली कचहरी में पेश हुआ था जी, और डीपीओ साहब की टीम, एसएचओ साहब और एएसआई मंजूर साहब, उन्होंने जी 1,20,000 रुपया मेरी रिकवरी करवा दी जी। आज मैं डीपीओ साहब का और मिंचनाबाद थाना एसएचओ साहब का शुक्रगुजार हूँ, दिल के था जराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ जी। मिले तो हाँ जी, एएसआई को बुलाया लेकिन आपके थानेदार भी खड़ा ये भी सुन रहा है। एस एच ओ को तो अभी अपना जहांगीर साहब काम दे रहे हैं, इसमें भी शोकाज एक ठीक है जहांगीर साहब, वो कहते कि वीडियो है हमारे पास, अगर अपना एस एच ओ साहब इनको मैं शोकाज दे रहा हूँ, अगर ये मामला आपने हल कर दिया अगले 3-4 दिनों में तो ठीक है, नहीं तो आईओ को तो हम इसमें इसलिए सजा देंगे कि देखे ना ये बात यह है कि अगर किसी की इस तरह चोरी हो जाए और जो है वो बंदा हमारे पास बार बार आता रहे तो फिर तो मैं ही समझूंगा कि हम प्रायोरिटी उनको नहीं दे रहे जो मुद्दयान है, हम प्रायोरिटी किसी और चीज को फिर दे रहे हैं, तो ये तो फिर नाकाबिल कबूल है। आपका भतीजा है, आप सबका भतीजा है, ये दो बहने हैं, आप भी हैं, आप सारे उम्र रसीद है, उसने आप लोगों को घर से निकाल दिया है और प्रॉपर्टी भी हथियाली है सारी है, मकान वगैरह भी ठीक है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करें, उसको गिरफ्तार करें, फिर देखेंगे आगे और इनको अपने घर में बहाल करवाएं। पानी भी नहीं, वो दोनों बहनों को भी, दोनों भाइयों को भी, चारों को इनको रखवाएं, उसके बाद फिर देखेंगे वो कैसे लड़े हम फिर आगे, वो आपको ठीक कर देंगे हम, ठीक है, वो फिर आगे कैसे लड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे, फिर देखेंगे। किसी वाला थाने के, ये कब की बात है? सी 2-3 लड़के और सुन की बात है, ये 16 तारीख को जी, पिछले महीने की 16 तारीख, नहीं 11वें महीने 16 तारीख, जिस दिन हमारी गंदम चोरी है, रक्षे से मौके से गंदम पकड़ी गई है। कि आपके अगर ये आंसू गलत नहीं है ना, इन आंसू का भी हम हिसाब किताब लेंगे, बुलाओ इनको। अच्छा फरियाद ये 463/23 में रिकवरी भी हुई है? 70,000 में सर रिकवरी हो गई है, एक मुल्जम की गिरफ्तारी बताया, वो पकड़ के मुकम्मल करवा देंगे। कब तक कर लोगे सर? मुल्जम के पीछे पीओ हो गया सर, मुल्जम कब तक कर लोगे? जल्दी सर मिशन करवा देंगे। नहीं बता दो कोई टाइम, मुझे बता दो। एक हफ्ता सर, ये 70,000 रुपया, 70,000 रुपया सिर्फ जो तफ्तीशी है ना जी, वो कहता है हमारा 35,000 खर्चा वो हमें दे दे। अच्छा मेरा 35,000 दिया तो नहीं है? नहीं मैंने लिए नहीं है। अच्छा। देना कहाँ से है? मैंने तो नहीं दिया अभी तक, कुछ नहीं दिया। आपको 70,000 मिला है? कुछ नहीं मिला, कहते फॉर्म के ऊपर साइन कर दो तो मिला हमें। अच्छा ये अभी आता है, पहले तो उसको 70,000 दो, ठीक है, और तब कुछ मेरे तरफ से शुकास दे दो अभी, उस पर मैं अभी इंक्वायरी कराता हूँ कि गुरु ने ये वाला काम किया है तो फिर मैं उसे देखूंगा। 7 दिन में आपको फर्क, ठीक है, मसला यह है कि इनका बेटा उनके बेटों के साथ मदरसे में क्यों पढ़ता है? संगीन नतीज के दम क्या देते हैं? ये तो बहुत संगीन मसला है। फिर देखिए अगर गरीब लोग बच्चे स्कूल भी ना भेजे ऐसे बुली लड़कों के की वजह से, तो फिर तो गरीब बंद स्कूल भी ना जाए। ਸਰ ਉਹ 20 ਘਰ ਅਸੀਂ 1 ਘਰ ਹੈ, ਉਹ 20 ਘਰ ਹੈ, ਉਹ 20 ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ ਨੇ ਰਾਂਦ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ
पर साहब नी असि उठा तुटा जाते करना उन्हें जी पूछा ही नहीं उन्होंने। मैं दो दफा गई वारा साहब तू पुछ लो वारा साहब ते मेरी दरखास्त गई हुई आज कितने साहब ये आपकी जिम्मेदारी है इस बच्चे को आपने स्कूल में सेंसर सिक्योरिटी भी देनी है इस बच्चे को आपने सेंसर सिक्योरिटी देनी है स्कूल में उसके लिए आप जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें उन बंदों के खिलाफ इसमें लेकिन मैं आगे पीछे बिल्कुल नहीं देखूंगा इसमें बस सिर्फ यही मेरा मसला है कि दिस इज टू सीरियस के वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा इनका वो तगड़े हैं तो जो है वो स्कूल जाएगा आप इंश्योर करेंगे और वो दूसरे लोग इनसे माफी मांगेगा अगर ये बात सही करें ठीक है आपके बच्चे के हम स्कूल भेजेंगे और इज्जत से भेजेंगे और वो स्कूल में हिफाजत से रहेगा ये इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे हमारा काम हो गया आपका हमारा काम हो गया आपके बच्चे को पढ़ाना अब हमारा भी बच्चा है आप उनको बताए कोई आपको कहे कि ये है वो है तो बताए तो डीपीओ कह रहे हैं कि हमारा भी बच्चा हो गया है मैं तो हम शुक्राया लेकर आई मुझे डेढ़ महीना हो गया लोगों से ले लेके घर पर राशन बच्चों के लिए गुजारा कर चले आपकी हम मदद करते हैं ठीक है लेकिन एक शर्त पे उनसे हम कहेंगे कि उन्होंने ये काम छोड़ना है जी बिल्कुल आइंदा से ये काम अगर कोई भी हो जाए हाँ। तो जो आप कार्रवाई करना चाहें आप कर सकते हैं एक दफा मेरी मदद जरूर करें ठीक हो गया बस हम आपकी मदद करेंगे ठीक है ये नोट कर लो अच्छा इसे जो साहब ये है बुशरा बीबी आई है इन्होंने मुझे कह दिया है इनके बच्चा हुआ है 715/23 ठीक है इनके खावन के ऊपर तो वो कहते हैं कि हम हमारे तरफ से गारंटी देते हैं हमारी गुर्बत है छोटे बच्चे हैं वो भी साथ आए हैं ठीक है तो आप आपने इनका इस तरीके से ख्याल रखना है जो हमने इनके साथ वादा किया है कि वो ये काम नहीं करेंगे और फिर हम इनकी मदद करेंगे ठीक है वो हम आपसे गारंटी पर लेंगे ठीक है और बाकी आपकी मदद करेंगे हर तरह से माशाल्लाह मोहम्मद फैसल बरामदी नहीं होगा चोरियों की गैंग्स तो पकड़ रहे हैं आपका भी अभी ध्रुव रहता है अच्छा सैफुल्ला साहब भी अब्दुल शकूर साहब भी हैं मोटरसाइकिल लेके चोर जिस तरह से आप पकड़ रहे हैं ये केस नंबर कर ले 6469/23 नहीं 646 नहीं 469/23 ये आप नोट कर ले और ये आपने मुझे ये बताना है तीन दिन में कि किसने किया है असल चोर ठीक है असल चोर पकड़े तो बाकी कहानी सुन जाएगी अभी अभी लगेंगे पीछे आपको पता है ना कि ये बहावल नगर के दोनों थानों में हम जब से पड़े हैं ना तो हमने एक्चुअल चोर पकड़े हैं उससे एक तो रिकवरी अभी तक हो गई है 20-30 एक एक गेम्स रिकवर होने मोटरसाइकिल में और हम लोगों को दे भी रहे हैं सबसे बड़ा दूसरा फायदा यह हो गया कि चोरियां कम हो गई है मोटरसाइकिल की बड़ी तो अब ये भी कोई गैंग होगा ये मैं उनको बताऊंगा कि पकड़े ताकि और भी ना चोरी हो और इनसे भी बरामदगी करवाई जाए तो इंशाल्लाह ये करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे अदरवाइज भी बताऊंगा ठीक है ऊपर बैठे बाबा जी ऊपर आ जाए बाबा जी ऊपर आ जाए क्या मसला है बाबा जी थाने उत गया जो समय है अरमान मेरे नाल गया साढ़े कोल गए उसने जो ट्रालिया मिट्टी के लाते तो चूड़ी सट दी कल रात पटवारी ने मौके तो सदा तो उन्होंने जी आता पत्थर की कराया नहीं 9 बजे मैंने फोन किया मैं नहीं आना बुढ़ा बंदा उन्होंने जी मैं रिपोर्ट कर अच्छा एक काम कर लेते हैं अभी आपने जाना नहीं है ठीक है मुझे थोड़ी सी इंक्वायरी इस पर कर लेना जल्दी से इस पर जल्दी से इंक्वायरी कराओ और अगर आप जिस तरह कह रहे हैं आपके साथ ज्यादती हुई है देखो ये अभी इस कागज उस बंदे दी आए 5 पर्चे दिए उस दोनों कर दे वारदात है जो जगह पे रहने आप इसको सबूत में लिया लिए पेन और मैं जाऊं इसलिए आपको कह रहा हूं जी अभी आपने जाना नहीं है आप जाएं ये सामने वाला दफ्तर है उधर ठीक है वो एक अफसर है वो छोटी सी इंक्वायरी करोगे घंटा 2 घंटे लगाएगा मुझे बताएगा और फिर हम उनको दंडा देंगे ठीक है पर्चा भी करेंगे उनके खिलाफ दंडा देंगे अच्छा राव साहब ये आपके पास हम भेज रहे हैं अभी सर इनके साथ बड़ी जाति हुई है
आप इसको फिक्स करें ज्यादती को, पैसा बस जो भी है इलाज करो इनका। जी सर, उसका इलाज करो, इनके दाद रस इंश्योर करवाओ, इनको दोबारा मेरे आपके पास नहीं आना चाहिए। इसी तरह के लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम बैठे हैं ना, जो ना कानूनी तौर पे समझते हैं मामलात को, अगले तेज भी होते हैं और ये गरीब भी होते हैं और कुछ ले भी होते हैं, ठीक हो गया। जिनका दाद रस करवाए आप जाए, आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है, बेटी का भी ख्याल रखेंगे। राव मोहम्मद अली के पास जानते हो ना, ठीक है, भिजवाओ उनको उधर, अभी अभी जाएं, अभी जाएं। अच्छा रजाक साहब, ये आपने अभी हल करना है ये केस सर। ये ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया पे, ये हमारी सर, बेटी है, आपकी बेटी है, इसकी तरह रिवील बन, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। आप एक काम करो बल्कि सचो साहब, वो बंदा भी इधर ही है, आप इनके आप आ जाएं जरा, ये भी हैं, वो भी हैं, और इधर मामला हल करें इनका, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप एक काम करें, आप इनको बिठाएं, आप भी बैठ जाएं उधर, आपने जाना नहीं है अभी दोनों ने, हम ये मसला हल करके आपको भेजेंगे इधर से, ठीक है। अगर ये जमात साबित हुए फिर हम इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे इसमें। हाथ जोड़ कर नहीं बल्कि खुद से बताए, उनकी बात ना करें।